वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों, मैं ब्रिजेश एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं मेरे छोटे से नन्हे से मुन्ने से उत्तू से चैनल ब्रिज व्यू में। तो आज दोस्तों मैं करीब 1 करोड़ वीडियो देखने के बाद और करीब 2-4 करोड़ फॉग लाइट देखने के बाद फिर से मैंने ये डिसीजन लिया कि मैं फॉग लाइट अपने हिमालयन 450 में लगाऊंगा ही। और नहीं लगा रहा था उसका रीज़न मैंने आपको कई बार बताया था, एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। बाइक में जो कि माउंट किया है, मोबाइल निकाल लेता हूँ। हाँ, तो मैं फॉग लाइट नहीं लगवा रहा था क्योंकि मेरे इस रैली किट के साथ कोई लेग गार्ड नहीं लग पाया, नहीं लग रहा था, और जिसकी वजह से मतलब मैं लेग गार्ड पर ही फॉग लाइट लगवाना चाह रहा था क्योंकि मैं इस फ्रेम पे फॉग लाइट नहीं लगवाना चाह रहा हूँ। अगर आप देखोगे नॉर्मली इस एंगल से देखोगे तो लोग क्या हो रहा है, यहाँ पे फॉग लाइट लगवा रहे हैं और वो ना इस लाइट के लगभग लेवल में आती है, मतलब कभी यहाँ भी आती है, मोटा मोटा यहाँ आती है। मैं चाह रहा था फॉग लाइट करीब यहाँ आए, दूर आए तो काफ़ी बड़ी रेंज मिल जाती है। अब उस पर स्पेशली क्या है, अगर फॉग लाइट में इस पर लगवाता हूँ तो चाहे अगर ये फॉग लाइट अगर मैं बहुत आगे लगाऊंगा तब भी इस लाइट के लेवल में रहेगी। और अगर जो मैंने आपको पहले बताया था कि जो लाइट का मेन लेवल है और फॉग लाइट का जो नीचे वाला लेवल है वो दोनों में काफ़ी डिफरेंस होना चाहिए। और नीचे लगवाने का फ़ायदा क्या होता है, बेसिकली नीचे लगे आपको अगर यहाँ पे इस फ्रेम में यहाँ पर लगाओगे तो काफ़ी अच्छी रेंज नीचे की मिलती है और गड्ढे वड्ढे पता चलते हैं सामने, और इसी रेंज में लगाओगे तो खाली आँख में चुभती है लोगों के, वो दिखती नहीं है फॉग, मतलब लाइट से रोड बहुत दिखती नहीं है और सिर्फ आँख में चुभोगी, क्योंकि हिमालयन वैसे भी काफ़ी बड़ी बाइक है और काफ़ी ऊपर इसका हेडलाइट है। और अगर उसी के आसपास के लेवल में मैं फॉग लाइट लगवा दूँ तो मतलब आँख में ही चुभेगी और मेरे काम की है नहीं है वो तो बात की बात है, लेकिन कि और किसी को दिक्कत होगी तो मैं ये नहीं चाह रहा था। लेकिन अब मजबूरी है, मुझे आना ही पड़ेगा क्योंकि काज़ा में जा रहा हूँ। काज़ा में बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ पर शाम को या रात को भी घूमना होगा मुझे। और ये लाइट भाई साहब पता नहीं 45 वाट की भी है कि नहीं है, मतलब नहीं दिखता यार। मैंने बहुत कोशिश की इमेज बचाने की, इज्जत बचाने की इस फॉग लाइट, इस स्टॉक लाइट की, लेकिन नहीं बच पा रही है। नहीं है, अच्छी नहीं है भाई। कितना ही बोल लो। तो मैं जा रहा हूँ गुड़गांव में इफ्को चौक पे डी ए मॉड्स में, वहाँ पे पंकज भाई से बात हुई थी और आज का शनिवार का टाइम लिया था। अभी फ़िलहाल मैं निकला हूँ 4 बजे और इस समय टेम्परेचर है करीब 43 डिग्री और लू चल रही तगड़ी वाली है। और जितने भी कार वाले ना मुझे पीछे देख रहे हैं वो कह रहे हैं कौन सा पागल है साला धूप में खड़ा होके वीडियो बना रहा है। नई नई बाइक लिए चस्का ज़्यादा है। तो भैया चलो जल्दी से निकलते हैं, हंसी का पात्र नहीं बनते हैं, और बाकी चलते चलते और बातें करते हैं आपसे। भैया इसको जो पहुंच तो गए लेकिन डी ए मॉड्स के लिए भी आगे से टर्न लेना पड़ेगा, आगे से घुमा के। पता नहीं आप देख पा रहे हैं कि नहीं, इस समय टेम्परेचर करीब 47-48 है। अगर आपको कैमरे में दिख रहा हो, कभी 47 हो रहा है कभी 48 हो रहा है। और इतनी तेज लू चल रही है कि गाड़ी चलाना मुश्किल हो रहा है, एकदम बिल्कुल सामने से थर्स्ट आ रहा है हवा का। और वो जो क्रेन है ना राइट साइड में, येलो कलर की क्रेन है, जो बोर्ड बड़ा सा बोर्ड लगा ब्लैक वाला, उसी के अंदर है डी एम ऑर्स। तो हम आगे से घुमा के उधर से आएंगे, ऐसे इधर की साइड में है राइट साइड में, तो हम यहाँ से कहीं लेफ्ट लेंगे और आगे से चौराहे से घुमा के आते हैं। हाँ, यहाँ पे टर्न है भैया, मतलब चस्का देख रहा हो काजा का, 47-48 डिग्री में छुट्टी के दिन धूप में निकल के फॉग लाइट लगाई जा रही है, बाइक के काम कराया जा रहा है। एक्चुअली टाइम मिलता नहीं है, हम नौकरी पेशा लोगों को तो सेक्रीफाई करनी पड़ती छुट्टियाँ। और ये तो कुछ भी नहीं है यार, जब 6-7 डे वर्किंग करते थे तब भी घूमने का चस्का था ही, उसमें भी टाइम निकाल लेते थे और मतलब घूम ही लिए, काम भर का तो घूम ही लिया गया है। वारे गर्मी। ओहो, सेल्फी इन गर्मी भाई, एकदम सेल्फी ले रहा गर्मी में, बर्निंग इन 48 डिग्री टेम्परेचर। यार शायद यही है कि आगे से ये गड़बड़ हो गया, क्या मामला, लेट्स सी, चल के देखते हैं। नहीं ठीक है ठीक है, हर दिल में मोदी। ओहो, आज गुड़गांव में चुनाव था आपको बताऊं, तो वैसे तो ऑफिशियली सब कुछ बंद है लेकिन शाम उम के टाइम दुकानें खुलने लगती है। तो मैंने बात की थी डी एम मॉड्स में और पंकज भाई है वहाँ पे पतले दुबले से, और बहुत टैलेंटेड है,
मतलब पतले लोगों के लुक पे मजा आएगा, बहुत टैलेंट है। और अभी एक से एक गाड़ियाँ शायद अगर वहाँ पे खड़ी हो तो आपको दिखाऊंगा। तो उनसे बात हुई, वो बोले थे कि 4-4:30 बजे के बाद आ जाना, काम हो जाएगा आपका। तो जब भी आप भी आइएगा तो अपॉइंटमेंट लेके आइएगा। अरे भैया, और मैं पता है एक्चुअली मैं थंडरबर्ड लेके एक दो बार यहाँ पर रुका हूँ, और मुझे ना पता नहीं, डोंट माइंड लेकिन मतलब मुझे लगता था, जैसे ये देखो दुकानें दिख रही हैं आपको, तो मुझे लगता था कहाँ कचरे वाली जगह पे, ये कैसी दुकान है, क्या मतलब कैसा वर्कशॉप है, ये कूड़ा ही लगता था मुझको। लेकिन भाई साहब, मैंने गूगल किया और मैंने बहुत से यूट्यूबर्स, बड़े बड़े यूट्यूबर्स को देखा, अरे ये तो बड़ी फेमस जगह है भाई, मतलब जो मॉडिफिकेशन ये करा देंगे कहाँ कोई करा पाएगा। और एक ऐसे शौकीन लोग पहुँचते हैं यहाँ पर। तो हम आ गए भैया पंकज भाई के पास, डीए मॉड्स में, अशोक ऑटो ट्रेडर्स, डीए मॉड्स। हाँ हाँ हाँ, जय बजरंगबली। अरे वॉशिंग का भी जुगाड़ यार, मैं वॉशिंग में करा लूँगा बाइक। पंकज भाई क्या हाल चाल, 48 डिग्री में भी काम कर रहा हूँ, मानना पड़ेगा। एक और हिमालयन यहाँ पे खड़ी है, आई थिंक इन्हीं लोगों की है। ये है मोटोटॉक का लेग गार्ड, ये देखिए। और मैं बात कर रहा था इसी लेग गार्ड की, जो कि मेरे इस रैली किट के साथ, नीचे जो रैली किट है ना उसके साथ नहीं लगता। और अगर लेग गार्ड लग गया होता तो मेरे पास ये पूरा एक एडिशनल फ्रेम मिलता है, ये वाला ये पूरा फ्रेम मिलता है। यहाँ पे कहीं भी मैं लाइट लगवा सकता था, और ये सेम लाइट ही शायद मैं लगवाऊंगा। अभी यही लाइट मैं देखे गया था, HJG की ह्यू लाइट कोई है, कितना है, 3, 3, 6, 5, 6 LED लाइट है। तो अब मुझे इस फ्रेम में लगवाना पड़ेगा। अगर मेरे पास लेग गार्ड लगवा सकता तो मैं यहाँ कहीं एक्सटेंड करके इधर लगवाता, लेकिन अब चूंकि मुझे यहाँ पे इसी में कहीं लगवाना पड़ेगा, जो कि काफ़ी हाइट पर लगेगा और ऐसा सा कुछ लुक आएगा, देखते हैं अपनी बाइक में लगवा के। और बाकी और भी चीज़ें बाइक में लगी है दिखाता हूँ। ये देखिए एडिशनल कुछ लाइट यहाँ पे भी लगी हुई है। और तो भाई ने ये हिमालयन वाली ओल्ड हिमालयन वाला जो है, क्या बोलते हैं, नकल गार्ड लगवाया, क्योंकि नया वाला लॉन्च नहीं हुआ है। ये हैंडल बार स्टेबलाइजर है, और ये ओल्ड हिमालयन वाला हैंडल है बेसिकली। और ये स्विच बड़े प्यारे लग रहा है, आई थिंक अगर ये स्विच मिलेगा तो मैं भी यही लगाऊंगा। और नया क्या है बाइक में, ये देखिए नई वाली हिमालयन में बैकलाइट नहीं आती, लेकिन इसमें बैकलाइट लगी हुई है, ओल्ड हिमालयन की बैकलाइट है। ये वैसे इंपॉर्टेंट है, अच्छी लगती है। यहाँ पे एक ये है, शायद मैं भी अपनी प्लेट मिलेगी तो ये भी लगवा लूँगा मैं। चलो देखते हैं क्या क्या सामान इनके पास है और क्या क्या गाड़ी में लगाया जा सकता है, मेरी वाली, इस वाली में। देखो एक बाइक यहाँ पे खड़ी मिली मुझे, देखते ये लाइट है नाइट डॉग की लाइट, ये कवर के साथ है, ये कवर है, ये है नाइट डॉग अल्फा, ये इसका कवर है। तो भाई से पूछा तो करीब 16-17 हज़ार का पूरा सेटअप आता है इस लाइट का, तो 1.5 साल की वारंटी होती है। जो ऑगेजी की लाइट्स आती हैं उस पर, मतलब कहते ना कि चले तो 4 तक नहीं तो शाम तक, वो वाला हाला है। लेकिन ये लाइट बहुत तगड़ी है, और 16-17 हज़ार का बजट तो अभी फिलहाल नहीं है। तो सबसे बड़ी बात है कि मुझे लग रहा है ये सेटअप भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, ये वाला जो क्लैंप है और ये जो चीज़ है, तो कुछ दूसरे तरीके से लगाएंगे। और मुझे ये भी अच्छा नहीं लग रहा, अगर मैं जाऊँ मुझे आता है तो आई डोंट लाइक इट। फिलहाल HJG लगाएंगे, 2-7 हज़ार में काम हो जाएगा, फिर देखेंगे, इतना कोई ज़्यादा यूज़ है नहीं। तो दोस्तों काम हो गया, काफ़ी टाइम लगा, करीब 2-2.5 घंटे लगे। पंकज भाई काफ़ी बिजी होते हैं डीए मॉड्स में। और ये देखिए, ये है लाइट हमारी जो लग गई है, और अब आपको जला के दिखाते हैं। ये देखिए, ये काफ़ी अच्छी लग रही है, अच्छी लग रही है ना, काफ़ी पावरफुल है। हाँ हाँ पावरफुल है।
अगर इसकी मेन लाइट जलाता हूँ तो अच्छा स्टार्ट होने पर जलती है, मेन लाइट स्टार्ट होने पर जलती है लेकिन ठीक है। हाँ स्टार्ट करूँ क्या, रुको साइड स्टैंड पे स्टार्ट नहीं होगी ना। हाँ एक बार सीधे करना, ठीक है सही लग रही। एक बार आप पकड़ना जरा, एक बार बाइक पकड़ना जरा, हाँ दिस इज मोर पावरफुल। ये तो खिलौना लग रही है ये तो बच्चों की जैसे वो होते ना बाइक में वैसे लग रही है, खिलौना लग रही है, ये है दमदार। अच्छा इसमें वो करना ब्लिंकर करना तो जरा, हाँ नाइस। ओए होए क्या बात है, बहुत अच्छा, अच्छी लग रही, अच्छी लग रही। चलो भाई काम होगा, पैसा वसूल। अच्छा बाइक स्टार्ट करते हुए अगर स्टैंड कर दो तो बंद नहीं होती, लेकिन अगर स्टैंड रहेगा तो वो होती है। तो दोस्तों सामने जो ब्लू टी शर्ट में खड़े हैं उनको पहचानते होंगे आप, ये हैं दीप रंजन सचान दीप भाई, और इनकी वीडियोस आप देखते होंगे, बहुत अच्छे आदमी हैं और मेरे अच्छे बड़े मतलब बिलव यूट्यूबर हैं, अपने दोस्तों के साथ हैं, तो मैं अभी डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ, अभी बात बात हुई है, अब फ़ोटो तो नहीं खिंचा रहा हूँ। आप पहचानते होंगे दीप भाई को, मतलब मैं चाहता हूँ ना कि कोई अनकंफर्टेबल फील ना हो, लगे उसके साथ फ़ोटो तो खिंचाने वीडियो बनाने वो थोड़ा अजीब सा हो जाता है। तो दीप भाई से अच्छी मुलाकात हुई, अच्छी बात हुई, अच्छे आदमी हैं, ठीक है दीप भाई, थैंक यू यार, थैंक यू भाई, थैंक यू, थैंक यू। दीप भाई जेन्युइन आदमी है, बहुत अच्छे लोग, अच्छे मतलब मज़ा आता है उनके साथ बात करके। और ये मतलब काफ़ी दिन से मेरा सपना था, और दीप भाई की वीडियो देख के ही मैं डीए मॉड्स पे आया था, और आज चूंकि मौका मिला मुझे तो अच्छा भी लगा मुझे उनसे बात करके। और इंटेंशनली मैंने दोस्तों बहुत हैवी लाइट नहीं लगाई है, नॉर्मल लाइट ही लगाई है मैंने, क्योंकि बैटरी पे एक बड़ा गलत इफेक्ट पड़ता है इससे। तो गाइस टेम्परेचर हो गया है 39, मतलब काफ़ी कम हो गया, करीब 10 डिग्री कम हो गया, 9 डिग्री, और थोड़ा कंफर्टेबल फील हो रहा है, और टाइम हो रहा है 7:30। रही बात बाइक की, तो मैं आपको बाइक के दिखा देता हूँ एक बार फिर से लुक। ये है लाइट्स ऑन, हेडलाइट ऑन, और नीचे की ऑक्सिलरी लैंप्स ऑन, और अच्छी लग रही है बाइक इसकी हेडलाइट जो है वो खिलौना लग रही है, जैसे बच्चों वाली कार में लाइट होती है उस हिसाब से लुक आ रहा है, क्योंकि इसकी इंटेंसिटी बहुत तगड़ी है। और मैंने मतलब मुझे अब लग रहा है कि नहीं सही काम किया मैंने। और जहाँ तक इसके स्विच की बात है, यहाँ पे ये मैडॉक का या कोई तो स्विच लगा है, अच्छा एजेजी का ही स्विच है। तो इसमें फ़ायदा ये है कि देखिए, ये आपको दिखाता हूँ, अरे आराम से भाई, देखिए ये लाइट मैंने बंद कर दी, अब मैं जलाता हूँ लाइट। इसमें तीन मोड है, पहले लाइट ऑन होगी, ये ऑन कर दिया लाइट, अब इस स्विच को एक बार जल्दी से बंद करके फिर से ऑन करेंगे तो इस तरह का मोड आएगा, ये मोड आएगा, और अगर दोबारा मतलब थर्ड बार इसको बंद करके फिर से ऑन करेंगे तो ये वाला मोड आएगा। तो हाईवे पे ट्रकों का ट्रक से पास लेने के लिए या हाईवे पे तेज़ी से चलने के लिए और टू बी नोटिस्ड, ये बाइक सॉरी ये जो मोड है वो अच्छा है लाइट का। तो नॉर्मल अभी मैं मोड में चलूँगा लाइट ऑन करके, इसका नॉर्मल मोड है, और थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट मुझे अभी भी लग रही है तो मैं बाद में घर पे भी कर लूँगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से चलते हैं दोस्तों घर के लिए, और उसके बाद और किसी और वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अरे रुक जाए यार। अच्छा ये थोड़ा सा ना
वहाँ दोपहर में दोस्तों मैं आ रहा था तो मुझे अच्छा था, देखो बिल्कुल नहीं लग रहा था इतनी गर्मी में आना, और वाइफ का भी मैसेज आया कि भैया इतनी गर्मी में क्यों तो पागल हुए हो जा रहे हो, लेकिन यहाँ पे आके मुझे अच्छा लगा। बाइक अच्छे से मतलब बढ़िया सर्विस का मतलब लाइट अच्छे से लगाई, एक्यूरेसी बहुत अच्छी थी, बंदे का नॉलेज अच्छी थी, और सबसे बड़ी बात जो है दीप भाई से मुलाकात हुई, दीप रंजन संचार नाम से उनका चैनल है, और आई लाइक इस वीडियो, आई लाइक द पर्सन ही इज़, सीधे साधे सुलझे बंदे हैं, हंसी मजाक वाले आदमी हैं, और अच्छा लगा उनसे मिलके। अब उन्होंने मुझे रिकॉग्नाइज़ किया कि नहीं किया, लेकिन मैंने उनके साथ ज़्यादा फ़ोटो तो नहीं खिंचाई, और बड़े भाई की तरह है वो भी अपने। और सबसे बड़ी बात मैंने उनसे पूछा कि आप मैरिड हो, कह रहे हैं हाँ मैरिड हो। मैंने कहा मैनेज कैसे करते हैं भाई, कह रहे हैं बस ऑफिस से छुट्टियाँ मिल जाती हैं, लेकिन एक बात अच्छी लगी उनकी कि बोला कि भाई यूट्यूब की जिम्मेदारी है, आपको उसको लेके चलना पड़ता है, और अगर आपके फॉलोअर्स हैं या सपोर्टर्स हैं आपको पसंद करते हैं तो उनको भी कंटेंट देना आपकी ज़िम्मेदारी है। तो इस बात ने मुझे बहुत मोटिवेट किया और मैं कोशिश करूँगा कि इसको फॉलो करूँ, और आपको भी कंटेंट मैं रेगुलर देता रहूँ दोस्तों, और इस तरह के कंटेंट आप बनाता रहूँगा। तो अपना ध्यान रखिएगा दोस्तों, खुश रहिएगा, आबाद रहिएगा, कीप हैप्पी, बी हैप्पी। मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए पीस।